वायरल इन्फेक्शन एक कॉमन सा नाम, हर कुछ सालों बाद इसका एपिडेमिक आ जाता है। दुनिया भर में तेजी से फैलते वायरल इन्फेक्शन से सुरक्षा व ट्रीटमेंट आज के युग में चिकित्सकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में क्या मेंटर के तौर पर क्वालिफाइड है? जी हाँ, आयुर्वेद में ही सूक्ष्म विषाणुओं अर्थात वायरसेस के प्रभाव को शरीर से निष्क्रिय करने के लिए अनेकों औषधियों का हजारों वर्षों पहले ही वर्णन किया जा चुका है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गुप्ता, आईफा फॉर फूड स्किन एंड नेजल एलर्जी, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अनुभव तथा पेशेंट एक्सेप्टेंस विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स के आधार पर कुछ प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनका मुझे प्रभावी एंटीवायरल रिजल्ट्स प्राप्त हुआ है आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 पे है छोटी दूधी, बॉटेनिकल नेम यूफोर्बिया हिटा। भारत के लगभग सभी प्रांतों में यह औषध उपलब्ध है। महर्षि चरक काल से भी इसका वर्णन होता आया है। 16वीं शताब्दी में भाव प्रकाश निघंटू में भी औषध के बारे में उल्लेख है। अब मैं आपको छोटी दूधी के 3 विशेष गुण बताने जा रहा हूं। पहला, जो कि आज के वातावरण के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण गुण है, छोटी दूधी को हमारे वैद्य ऋषि मुनि श्वास काश दमा फेफड़ों संबंधित रोगों में उपयोग करते हुए आए हैं और अनेक रोगियों में परम लाभ प्राप्त हुए हैं। दूसरा गुण, छोटी दूधी एक बहुत ही अच्छा इम्यून मॉड्यूलेटर है। आयुर्वेद मतानुसार रसायन कोशिकाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इनडायरेक्टली एंटीबॉडीज डेवलप करता है सूक्ष्म परजीवी अर्थात एंटीजन के खिलाफ। तीसरा गुण और भी प्रमुख है, वह यह है कि छोटी दूधी वायरस की रेप्लिकेशंस को रोकती है, दैट इज इट इज एंटीवायरल। छोटी दूधी का प्रयोग आपको कैसे करना है? 10 से 20 ml ताजी हरी जड़ी बूटी का सवरस निकालकर आपको सुबह शाम खाली पेट अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श अनुसार लेना है। काउंटडाउन अगेन बिगेंस। एंटीवायरल औषधियों में नंबर 3 पे है शीरिश, बॉटेनिकल नेम अल्बिजिया लेबेक। शीरिश लगभग भारत के सभी प्रांतों में पाया जाता है। इसकी पहचान करने के 3 तरीके हैं। इसके वृक्ष में बबुल के गोंद के समान गोंद निकलती है। दूसरा, इसके पत्ते इमली के पत्तों के जैसे हैं। और तीसरा, जो कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, इसके फूल स्पर्श मात्र छूने मात्र से ही मुरझा जाते हैं। अब हम शीरिश के विशेष गुणों पर डिस्कस करते हैं। एंटीटॉक्सिन प्रॉपर्टीज, इसका सबसे पहला और विशेष गुण, यह औषध चरक सुश्रुत वाग्भट काल में किसी भी प्रकार के पॉइजन अर्थात विष को न्यूट्रलाइज करने के लिए एज ए एंटीडॉट इस्तेमाल होती थी। दूसरा, अगेन जीर्ण काश श्वास एलर्जिक राइनाइटिस ब्रोंकाइटिस विशेषकर फ्लू में प्रमुख रूप से उपयोग आज भी हमारे चिकित्सक करते हैं। तीसरा, इट इज ए गुड अगेन इम्यून मॉड्यूलेटर। चौथा, शीरिश में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज के साथ साथ एंटी ट्यूबरकुलर प्रॉपर्टीज भी हैं। शीरिश के भी आप बीज पत्ते या फूल ताजे हरे 20 से 30 ml सबरस के रूप में अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श अनुसार सुबह शाम खाली पेट आप ग्रहण कर सकते हैं। काउंटडाउन अगेन बिगेंस। दूसरे स्थान पर है कालमेघ, बोटेनिकल नेम एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा। कालमेघ नीला बैंबू नाम से भारत के साउदर्न पार्ट में एज ए एंटीवायरल बहुत ही प्रसिद्ध औषध है। कालमेघ आपको वेस्ट लाइन्स में प्लेन लाइन्स में आसानी से दिख जाएगी।
बात करें इसके गुणों की तो पहला गुण काल में एंटीवायरल है, दूसरा इम्यून मॉड्यूलेटर है, थर्ड वन इट इज एंटी डायबिटिक। जी हाँ, शुगर लेवल को लो करती है। कलमेघ इतनी कड़वी होती है कि आयुर्वेद में इसे किंग ऑफ बिटर कहा जाता है। कालमेघ का भी आप 10 से 20 ml सबरस अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा है कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी एंटीवायरल औषध है जिसको पहला स्थान प्राप्त है। भूमि अमल की बोटेनिकल नेम फिलेंथस नीरूरी। भारत में वर्षा ऋतु के बाद यह अधिक पाई जाती है, पहाड़ों में 1,000 फुट की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके पत्तों में कड़वा सा द्रव फिलेंथस पाया जाता है और इसके पौधे 2 से 3 फुट के होते हैं। भूमि अमल की के गुणों का विश्लेषण करें तो इट इज वायरुसाइडल, मीन्स इन हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एनी काइंड ऑफ लीवर एंड स्प्लीन डिसऑर्डर। इट इज वेरी इफेक्टिव। इट्स एफिकेसी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन इज ऑल्सो प्रूवन। सेकेंड, इट इज अ गुड इम्यून मॉड्यूलेटर, मीन्स रसायन। तीसरा, किडनी से संबंधित सभी रोगों में यूरिक एसिड लेवल लो करने के लिए भूमि अमलकी का उपयोग बहुत ही कारगर है। भूमि अमलकी का भी आप 15 से 20 ml सबरस सुबह शाम खाली पेट अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी वीडियो में औषधियों का सबरस ही ग्रहण करने पर प्रकाश डाला है। जानते हो क्यों? क्योंकि जड़ी बूटियों का ताजी हरी अवस्था में ही सबरस निकाला जा सकता है। जड़ी बूटियां ताजी हरी अवस्था में ही अगर ग्रहण की जाएं तो सर्वोत्तम गुणों से युक्त होती हैं तथा रोगों को शीघ्र नष्ट करती हैं। इस वीडियो का मेरा लास्ट मैसेज कि आप जड़ी बूटियों का, आयुर्वेदिक औषधियों का सबरस ही ग्रहण करें। जिस प्रकार आप अनार का, फलों का, संतरे का, मौसमी का जूस ग्रहण करते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।